पड़ा सारा, इस काम ने निपटा लूँ मैं। लत्ते पड़े हैं, लत्ते भी सुखाने हैं। कौन आ गया इस वक्त, ये कौन होगा? देखूं मैं कौन है ले। राम राम भाभी। ए राम राम सुनीता। क्यों चौक गई के? आ भीतर आ जा। हाँ आओ। सुनीता। हाँ भाभी। अचानक अचानक किसान हो गया तेरा? के बात होगी भाभी, तने खुशी ना हुई मारे को देख के? हे इसी बात ना है सुनीता, ये मैं तो खूब राजी हुई हूँ अभिनंदन ने देख के। और ये तो तेरा घर है, बता तू ना आवेगी तो फिर कौन आवेगा? डे मैं तो बहुत खुश हूँ, पर अचानक आ गई तो मेरे एकदम यूँ घबराहट सी हुई। एक सब ठीक ठाक से घर में सब राजी खुशी? रहने दे भाभी, कई बार अंदर कुछ होता है मन में और जबान में कुछ और होता है। कभी कभी मन की बात सामने दिख ही जाती है। पर चल मने अच्छा लगा कि तूने अच्छी बात बोली कि जे मारा ही घर है, मारे भाई का ही घर है, मैं कभी भी आ सकूं। हाय सुनीता, ये तेरा ही घर है ये, तू कभी आ, रात दिन जब मर्जी आ। पर वैसे घर में सब राजी खुशी और तू ठीक से? तू कम कमजोर सी माड़ी ऐसी लग रही है, मैंने जानता है तो बीमार सी हो, कमजोर हो रही है अब के? के बताऊं भाभी, पिछले कुछ रोज से मरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी लचक सी आ गई, कोई नस वस खिंच गई लागे। तो मने किसी ने बताया कि वो कोई फरीदाबाद में कोई बहुत बड़ा अस्पताल खुला है, वो अमृता अस्पताल खुला है। हाँ हाँ खुला है, निरा बड़ा अस्पताल है। हाँ तो मैंने सोचा वहीं दिखाया हूँ, और फिर मेरे भाई का घर भी रास्ते में पड़े, मने मने लगा कि थारे से भी मिलना हो जाएगा। और बढ़िया करी तने। तो मैं आ गई। सुनीता ये तेरी कमर में दर्द से है, ये बता कब ते है? और ना तेने बताई ना मैंने, तो मैंने तो बेरा भी ना, तू इतनी बीमार हो रही है, बता तेरे ताई मैं के लेके आऊँ? मैं तेरे ताई रूह अफजा लेके आऊँ। ए रुक भाभी, रूह अफजा? तने लागे मैं रूह अफजा पीऊँ? रूह अफजा तो निरे चीनी होवे। हाँ जरा चीनी बस पानी में घोल दी और के। मारी रूह ने ना सुहावे थारा रूह अफजा। चल कोई ना सुनीता, अब फिर बता तू के पीवेगी, तेरी ताई मैं के लेके आऊँ? भाभी ना समझ पाई मने, इतने सालों में भी तने जी पता ना चला ये मने के पसंद, और अब तो मैं मारी तबीयत भी खराब चल रही से, तो तने भी तो सोचना पड़ेगा ना कि मारे लिए के सही रहेगा। जैसे मैं तो आजकल ज़्यादा कुछ ना ठंडाई पी लूँ, वो जो जिसमें मेवा वेवा पड़ा करे, काजू बादाम अखरोट वगैरह। ए सुनीता ए मेवा तो ना है सुनीता, बताओ और के लाऊं? क्या इस बार भी मेवा ना है? पिछली वक्त भी ना थी जब मैं रक्षाबंधन पे आई थी, वो तो मौका था इतना बड़ा त्योहार का, तब भी तने मेवा ना रखी, और इस बार भी ना है। खैर कोई ना, मैं तो जब भी यहाँ आई कहाँ इतनी फरमाइश रख पाई, कम में ही काम चलाया हमेशा। ऐसा कर भाभी, सादा सा दूध ही ला दे मारे दाई, थोड़ी सी उसमें कच्ची हल्दी गेर के उसको उबाल के, और केसर डाल दे, केसर की पत्तियाँ वही ले आ। और हाँ भाभी, मैं गाय का दूध पीऊँ, भैंस का ना चाहिए मने, और उसमें थोड़ी सी एक चम्मच लोनी घी डाल दिए। वो क्या है कि कमजोरी इतनी हो रही मने कि इससे कम में तो गुजारा ना हो सके मारा, इतना तो चाहिए ही मन है। ये ठीक से मिलाऊं? इतना तो है ना? हाँ है।
हाँ भाभी। ले दूध पी ले। केसर ना डाल रखा भाभी इसमें, ये ना डाल रखा है केसर, दिखाई ना दे रहा मने। ये वो हल्दी मिला रखी है ना दूध में, इस मारा ना दिख रहा होगा। हो सके घी का भी स्वाद ना आ रहा। ये मैंने तो घाल दिया बतेरा घी वैसे तो सुनीता। ठीक से और घाल लूंगी तने, और चाहिए तो ला दे। तने तो पता भाभी, मैंने ज्यादा तो फरमाइश कभी की ना थारे थे। अब जो जो मिल जावे उसी में काम चला लूं। ठीक से ये भी ठीक से काम चल जाएगा। सुनीता ये तू लेट ले थोड़ी देर, आराम कर ले, तेरी वैसी कमर में दर्द है, लेट ले। हाँ हाँ भाभी लेट लूँ, मैं थोड़ा पीछे होके बैठ लेती हूँ। जी बता भाभी, बिल्लू ना दिखाई दे रहा? बिल्लू अपने दोस्त की गैल गया है कहीं बाहर। अच्छा सो ना रहा? सोना रहा ज्यादातर तो वो सोया ही करे ना सारा वक्त। पिछली बार भी आई थी तब भी सोने में लगा हुआ था। अच्छा और कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग कैसी चल रही बिल्लू की? बढ़िया चल रही है ट्रेनिंग। फूफा आया था ना, ओ फूफा ने करवा दी उसकी बढ़िया ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग कर पा रहा है वो फूफा की? लग गया ना मने। कितने प्रतिशत आए थे उसके? 60 है भाभी? हाँ बढ़िया नंबर लाया था बिल्लू, 60% नंबर थे, खूब खुश है वाह, हम भी खुश हैं। 60%। खुश तो तुम हो गई। ठीक से खुश रहो। चल भाभी मैं निकलूं, घड़ी देर हो रही से। बिल्लू छोड़ा आवेगा मने? पर बिल्लू तो तू कह रही है कि है ही ना। अरे वो तो गया सुनीता, बेरा ना कितनी देर में आवे। या तो वो सोता रहे या वो हांडता रहे, तू देखती नहीं बिल्लू ने? बिल्लू बढ़िया है, बिल्लू तो दोस्त की गैल गया सुनीता, ऐसा कुछ को ना। तने के पता वो दोस्त की गैल गया है किसकी गैल गया है? खैर मने खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है भाभी, उम्मीद तो मैं ज्यादा करूँ ना थारे ते, हमेशा कम में ही काम चलाया मैंने। ठीक है भाभी। बैठ, मैं तेरे तेरी रोटी बांध दूं, तेरी गैल रोटी सब्जी ले जाएगी रास्ते में। बांध दे भाभी। सुनीता हाँ ले, भाभी, ये तेरी रोटी सब्जी बना दी है मैंने, परांठे बना दिए मैंने, देसी घी भी बनाए ना? हाँ देसी घी में बनाए हैं। और के मैं तेने तेल में खवाऊंगी सुनीता। के पता भाभी, ए न्यू ना सोचे कर तू, घनी सोचे है। ए सुनीता ये थोड़ी देर की ताई आई, तने तो के मैं मौका भी ना दिया सेवा करण का है। चिंता ना कर भाभी, अब तो मौके ही मौके हैं सेवा के, मैं तो आती रहूंगी। इलाज जो करवाना है मैंने अमृता अस्पताल में, अब तो मैं आती रहूंगी, ठीक बहुत से मौके दूंगी मैं तने। कोई ना आ जाइए, फिर आऊंगी भाभी। ठीक से चल मैं चलूं। ये आधे घंटे की ताई आई हो, आधे घंटे में इसने ताने मार मार के मेरी हालत खराब कर दी। और अब यूं के है अक मैं हर हफ्ते आया करूंगी इलाज कराण, अब बेरा ना के हल करेगी मेरा, मेरा तो जाडा चढ़ रहा है डर के मारे।
इसी ननद हो तो बता कैसे काम चले। इसी नंदी नंद भाभी के रिश्ते ने खराब करे हैं ना, तो किसने बुरी लगे हैं भाभी, किसने बुरी लगे हैं नंद। इज्जत रखे अपने रिश्ते की, बढ़िया आवे हंसी खुशी रहे, बढ़िया मेरे ते बतलावे, मेरे दुख की सुख की बूझे। तो मैंने इतनी बढ़िया लगे आती हुई, क्या करूँ अब।